नमस्कार दोस्तों, ट्रेशनल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करूँगा कि ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समर्थ योजना के बारे में। समर्थ योजना क्या योजना है और टेक्सटाइल वालों के लिए क्यों खास है समर्थ योजना? ये जो योजना है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें व्यक्ति प्रशिक्षण पाकर अपना रोजगार चालू कर सकता है और नौकरी के लिए तैयार हो सकता है। अब बात आती है टेक्सटाइल के लिए ये क्यों खास है। तो सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है समर्थ योजना के तहत कि भारत देश में हमें टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देना है। एक आंकड़ा फिक्स किया है कि तकरीबन इतने साल, समथिंग समथिंग 10 साल के अंदर 20 लाख 10 लाख युवाओं को टेक्सटाइल के लिए खड़ा करना है, उनको प्रशिक्षण देना है ट्रेनिंग सेंटर के लिए या किसी इंडस्ट्री में, और उनको अपना स्वरोजगार के लिए तैयार करना है या फिर जॉब के लिए तैयार करना है। तो जो लोग टेक्सटाइल में काम, जैसे कि कोई लोग है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या है, समर्थ योजना का लाभ उठा के ट्रेनिंग ले सकता है और टेक्सटाइल के बारे में सीख कर, स्पिनिंग के बारे में सीख कर या फिर विविंग के बारे में सीख कर जॉब कहीं पे भी आसानी से पा सकता है। अब इसमें सवाल उठता है कि स्वरोजगार, अपना खुद का स्वयं का बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकता है। तो जो समर्थ योजना है उसमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपको गारमेंट्स के बारे में काफ़ी जानकारी दी जाती है। गारमेंट्स ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आप अपना बिजनेस को घर पे भी स्टार्ट कर सकते हो और बड़े लेवल पे भी कर सकते हो, छोटे लेवल पे भी कर सकते हो। दूसरी बात करें अपन, समर्थ योजना आखिर चलानी क्यों पड़ रही है सरकार को? तो आपने सुना होगा कि हमारे देश में अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लेकिन आज से पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो हैंडलूम, जो पावर लूम है, उनकी जगह हैंडलूम काम करते थे। बुनकर लोग घर पे हैंडलूम लगाते थे और कपड़ा बुनते थे। आज आप कभी कोई सा पुराना वीडियो देखोगे कि कपड़ा कैसे बनता है, तो उसमें हैंडलूम का उपयोग किया है। तो वो जो बुनकर होते हैं, वो वस्त्र का निर्माण हैंडलूम की सहायता से किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ने लगी, पावर लूम आने लगे, तो धीरे धीरे इनसे अब उनका काम छीन लिया गया। हाई टेक्निक मशीन आ गई, तो वो जो अपना हस्तशिल्प काम करते थे, हाथ से बनाते थे, अपनी कारीगरी दिखाते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिला, क्योंकि जो काम वो हाथ से करते थे वो आज मशीन कर रही है। ठीक है, एक उदाहरण देता हूँ मैं, निटिंग का। जो लोग अपने हाथ से बुनते थे स्वेटर, आज भी निटिंग मशीन बनाती है वो स्वेटर, अच्छे डिजाइन डाल के बना देती है, कम समय में बना देती है, ज़्यादा प्रोडक्शन देती है और लागत भी उतनी नहीं लगती है। जो हाथ की बनाई हुई स्वेटर है और जो मशीन की बनाई स्वेटर है, उसके प्राइस में भी अंतर पाओगे आप। तो ऐसे करते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और इनका काम इनसे छीन लिया गया। तो ये अपनी रोजी रोटी अब कैसे चलाएं? ये तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही दयनीय परिस्थिति में हैं, गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये अपना रोजगार करते थे लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। तब सरकार को ध्यान में आया कि नहीं, इनसे इनका खाना हम छीन नहीं सकते, इनसे इनकी रोटी हम छीन नहीं सकते। इसी कारण को, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सन 2017 में समर्थ योजना का विकास किया गया, जिसमें सरकार ने तय किया कि जिस प्रकार से जो लोग थे, जो अपने हाथों से बुनकर बनाकर कपड़ा बनाते थे, या जो लूम चलाते थे, या गारमेंट्स का काम करते थे, या स्वेटर वगैरह, या कोई डिज़ाइन बनाना, एम्ब्रॉयडरी करना, इस तरीके के जितने भी काम थे जो आज मशीन कर रही है और उनका रोजगार छीन गया है, तो समर्थ योजना उनको वापस प्रशिक्षण दे के रोजगार देती है और उनको एक प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत उनको लोन भी देती है और अपना व्यवसाय चालू करने का अच्छा खासा अवसर भी मिलता है। तो ये तो हुई समर्थ योजना की बात। इसमें टेक्सटाइल वालों के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं कि यदि टेक्सटाइल से किसी ने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन किया है, डिज़ाइन किया है, उनके लिए समर्थ योजना में क्या अवसर है? तो इसके लिए सबसे अच्छा अवसर ये है कि समर्थ योजना में आप जो मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के, ज्वाइन करवा के, समर्थ से ज्वाइन करवा के स्वयं को आप भी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सकते हो।
आप ट्रेनिंग के लिए तैयार, आपको ट्रेनिंग लेनी नहीं, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी समर्थ योजना में। अब मैंने आपको क्या समझाया कि समर्थ योजना में वो लोग जिनका काम छिन गया या जो काम सीखना चाहते हैं, गारमेंट्स का काम सीखना चाहते हैं, अपना रोजगार चालू करना चाहते हैं, तो ये काम सिखाने वाला कौन है? तो समर्थ योजना ने ये योजना तैयार की कि जो लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन वही लोग इनको सिखाएंगे। क्योंकि जैसे हमने सीखा है कॉलेज में, हम एक एक चीज़, टेक्निकल चीज़, बारीकी चीज़ सब जानते हैं। यदि हमारे पास एक्सपीरियंस है किसी मिल का, किसी कंपनी का, तो हम उसको अच्छे से जानते हैं और हम किसी को भी समझा सकते हैं वो चीज़ कि ये कपड़ा बनता है तो कैसे बनता है, वार बेफ्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ये हम सब डिज़ाइन कैसे डलती है सब हम जानते हैं। तो समर्थ योजना यहाँ पे बोलता है कि TOT, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको TOT का एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके तहत आपको समर्थ योजना में नौकरी मिलेगी। जो TOT है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब आपको ट्रेनिंग देना है, जो ट्रेनिंग के लिए आएंगे ट्रेनर्स उनको ट्रेनिंग देना है। TOT एक प्रोग्राम हो गया। अब कैसे क्या करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे को कमेंट्स करोगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और नहीं तो फिर समर्थ योजना जो है उसके लिए आप गूगल करोगे, गूगल में भी डाल दोगे समर्थ योजना इन टेक्सटाइल, तो काफ़ी कुछ उसमें डाटा आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या काम होता है। सरकार जो अभी तो मैंने अधूरा बताया है, पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं किया कि कब से योजना चालू हुई, कब तक चलेगी, 2025 तक चलने का है। हमारी स्मृति ईरानी जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की मंत्री है, उन्होंने ही ये योजना को बढ़ावा देने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चला रहे हैं देश में। तो आशा करूंगा कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि समर्थ योजना का लाभ किन किन को मिलने वाला है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी रोजगार का कैसे अवसर इससे मिलेगा। समर्थ योजना के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ही पूरा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से ही निकला हुआ एक पार्ट है। और अगर किसी डिप्लोमा वाले को अगर जॉब मिलती है या किसी को भी इससे जॉब मिलती है तो उसकी एक समय लिमिट होगा, और वो आप ऐसा कह सकते हो कि यह गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिलेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करेगा। और अगर वो अच्छा काम करता, अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहता है, तो ये उसको शायद काफ़ी ज़्यादा समय के लिए उसको रखा जा सकता है, एक परमानेंट नौकरी की तरह ये वो काम कर सकता है वो व्यक्ति। अगर उसने टेक्सटाइल से डिप्लोमा किया है या टेक्सटाइल से बीटेक किया है, अगर उसको इंडस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज है, तब अब कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, तो टेक्सटाइल से जिसने डिप्लोमा किया है और जिसने 5 साल स्पिनिंग वीविंग या गारमेंट्स में कहीं काम किया है, वो व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है, समर्थ योजना का लाभ ले सकता है। जिसने बीटेक किया है और 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वह व्यक्ति भी इस योजना को अपना सकता है, इसमें इसके तहत काम कर सकता है। तो आशा करूँगा कि समर्थ योजना के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। और अब इसको भरना कैसे है, करना कैसे है, अगर ये सवाल उठता है तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो उस पर पूरा डाटा मिल जाएगा। और अगर कमेंट्स करोगे तो फिर मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।